वेलकम टू माय चैनल पंकुड़ी क्लासेस। आज है 28 मार्च 2020 और 28 मार्च 2020 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे उनको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम। तो हाल ही में जिस सरकारी विभाग ने इजाज़त दी है कि ना मिटने वाली स्याही का उपयोग क्वारंटाइन लोगों की पहचान के लिए किया जाएगा, तो वो है निर्वाचन आयोग। फ्रेंड, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भारत में चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। उद्देश्य इसका है संवैधानिक स्वायत्त निकाय चुनाव, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के कार्यकाल के लिए होते हैं। और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। पहले कार्यकारी जो हैं वो कुसुम कुमार सेन, और पूर्व कार्यकारी हैं वो हैं ओम प्रकाश रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। जिस दिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 25 मार्च 2020, वह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसको कोरोना लॉकडाउन के अंतर्गत सेवाएं बंद करनी पड़ी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है बेंगलुरु भारत में स्थित एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। किसने की? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। इसके जो CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। जनवरी 2017 से हैं। इसकी स्थापना 2007 अक्टूबर में हुई थी। संस्था आपको बताई दिया जो है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पच्चीस मार्च को काबुल में स्थित गुरुद्वारे पर हुए हमले की आतंकी हमले की जिम्मेदारी जिस संगठन ने ली, तो इस्लामिक स्टेट IS ने। तो ये कहाँ है? काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है ये काबुल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्रेंड्स, 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा G20 सम्मेलन जो देश ने कराया हुआ है सऊदी अरब। जी हाँ फ्रेंड, जो G20 सम्मेलन हुआ है वो इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो महामारी चल रही है वर्ल्ड में बहुत बड़ी COVID-19 कोरोना वायरस की, वह उसको देखते हुए यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको संबोधित किया गया है। इसमें जितने भी G20 जितने भी सदस्य देश हैं उन्होंने भाग लिया है। तो फ्रेंड, सऊदी अरब की बात करें तो ये सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर
सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब का साम्राज्य पश्चिम एशिया का देश है जो अरब प्रायद्वीपियों के अधिकांश हिस्से का निर्माण करता है। राजधानी इसकी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल। किंग सऊदी अरब के सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है वह है हरियाणा। तो फ्रेंड ये है मैप में हरियाणा, ये आपको दिख रहा है मैप में हरियाणा दिल्ली के पास है, ठीक है। और हरियाणा की जो हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और इसके गवर्नर जो है वो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और चीफ मिनिस्टर वो है मनोहर लाल खट्टर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है ये। तो संयुक्त राष्ट्र 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाता है। 2012 से यह दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य वनों के प्रति जागरूकता और महत्व बढ़ाना। थीम वन और जैव विविधता। 21 मार्च को जंगलों के अंतर्राष्ट्रीय दिन को चिन्हित करने के लिए चुना है क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्नल इक्विनॉक्स है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जिस प्रसिद्ध अभी अफ्रीकी गायक और सैक्सोफोन वादक का कोरोना वायरस 19 के कारण 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वह है मनु डिबंगो। फ्रेंड जो मनु डिबंगो है ये देख रहे हैं आप, इनकी 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। तो फ्रेंड आप अपने घर में ही रहें क्योंकि ये भारत में अभी तो पता है आपको 14 अप्रैल तक इसको लॉकडाउन किया गया है पूरे भारत को। तो सेफ रहें, घर में बाहर मत निकलें, कोशिश करें इससे बचने के लिए। और आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश की नौसेना ने रियूनियन द्वीप से पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया वह फ्रांस। तो फ्रेंड्स ये आपको मैप में दिख रहा है, ये है रियूनियन द्वीप, ये है, ठीक है। और अब बात करते हैं फ्रांस, तो ये आपको फ्रांस ये दिख रहा है और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। यहीं पे क्या है, एफिल टावर भी यहीं पे है। तो पेरिस राजधानी क्या है इसकी, पेरिस। और इसके जो राष्ट्रपति है वो एमेनुअल मैक्रोन है और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। चलिए फ्रेंड हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा वो है फ्रांस। फ्रेंड अभी जो ओलंपिक होने थे वो टल गए हैं, वो भी पता है आपको किस वजह से टल गए हैं, जो हमारा कोविड-19 है उसके संक्रमण के कारण ये बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। इसको देखते हुए सारे जो खेल हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और सारी सेवाएं सब कुछ रद्द कर दिया गया है सबको, गवर्नमेंट ने और विदेशों के जितने भी बड़े बड़े महान लोग हैं उन्होंने भी बोला है कि सब अपने घर में सेफ रहें। तो फ्रेंड्स यही हमारा वीडियो ख़त्म होता है और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।